जूनागढ़ गुजरात से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सब दर्शक मित्रों को जय सोमनाथ। आज बात करनी है शिलालेखों में सोमनाथ। शिलालेख इतिहास के प्रमुख साधन है जिनके साक्ष्य महत्वपूर्ण है। प्रभास पाटन के सभी शिलालेख हमें कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विवरण प्रदान करते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि यह शिलालेख कहां स्थित है। अधिकांश शिलालेख संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू की मिश्रित भाषा में है। यदि हमारे लोग शिलालेख का महत्व नहीं समझते तो उनके मन में शिलालेख का कोई मूल्य नहीं है। शिलालेखों के संरक्षण को लेकर वह बेहद लापरवाह है। जब नए घर या मंदिर बनाए जाते तो पुरानी वस्तुओं और शिलालेखों को संरक्षित करना चाहिए। मरम्मत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सीमेंट या रंग शिलालेख पर न चिपके। मैंने काठियावाड़ के शिलालेखों की बदतर स्थिति बहुत सारी जगह देखी है। शिलालेखों में केवल उस इतिहास के निर्माण के बारे में बताया गया है, बल्कि उनमें कभी कभी सांस्कृतिक और सामाजिक बातें भी मिलती है। प्रभास पाटन ने एक बार उत्कृष्ट तलवारें और ढालें बनाई जाती थी। संवत 1179 में गोमदेव नाम के राज्य के एक सांस्कृतिक अधिकारी थे, जिनके बारे में शिलालेख में यह दर्ज किया है कि उन्हें राजा के लिए एक चमत्कारिक हीच का बनाया था। प्रभास पाटन के बैलगाड़ी के लिए एक कहावत प्रचलित हो गई कि लाठी का बैल और प्रभास की बैलगाड़ी। सोमनाथ के शिलालेख हमलावरों और चोरों का बहुत शिकार हुए हैं। कजिन्स और शंभु प्रसाद देसाई दोनों ने लिखा है कि लोग शिलालेख ले गए। शंभु प्रसाद देसाई का मूल गांव प्रभास पाटन था। उनके पिता हर प्रसाद देसाई भी एक संस्कृति और इतिहास प्रेमी अधिकारी थे। उन्होंने सोमनाथ के कुछ बिखरे हुए लेखों को एकत्र किया और उस समय के प्रशासनिक कार्यालय को आज की मिडिल स्कूल की दीवार में चिपका दिया। कुछ शिलालेख मेघजी कांजी पुस्तकालय की दीवारों में सुरक्षित चिपका दिए थे। 1852 में मेजर ली ग्रैंट जैकब ने नोट किया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की कार्यवाही में उल्लेख किया गया था कि सोमनाथ के कई शिलालेख खो गए थे, यानी चोरी हो गए थे या नष्ट हो गए थे। शंभु प्रसाद देसाई ने वेरावल के एक गांव में एक मुस्लिम गृहस्थ की सीढ़ी पर एक संस्कृत लेख लगा हुआ देखा। उसी प्रकार वेरावल के फौजदारी शेड में एक शिलालेख पड़ा था जिसे लोग जानकारी के अभाव में चटनी पीसने के पत्थर के रूप में उपयोग कर रहे थे, जिस पर भट्ट रेवाशंकर भांजी की नजर पड़ी तो वह वस्तु लेख राजकोट हॉटसन संग्रहालय में उन्होंने रखवा दिया। यहां से पुर्तगालियों ने एक शिलालेख उठाया था जिसके बारे में हम अलग किस्त में बात करने जा रहे हैं, जो त्रिपुरांतिका प्रशस्ति का लेख था जिसे दुनिया सिंट्रा के लेख के नाम से जानती है, जो सोमनाथ का मूल लेख है जिसे हमें आज वापस लाना चाहिए। आज पुर्तगालियों के पास उस लेख का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए हमारे सरकार को वो वापस दे दे। लेकिन इतनी सच्ची महान राष्ट्रवादी बातों पर किसी का ध्यान कहां आता है।
हमारे जैसे अधिकांश लोग जो उसे जानते हैं तो उसकी बातें न तो सुनते हैं और न ही समझते हैं। इसलिए इन बातों को अब जंगल में रोना माना जाता है। अब देखते हैं कि सोमनाथ या अन्य स्थानों के शिलालेख क्या कहते हैं, क्या साक्ष्य देते हैं। नागपुर संग्रहालय में बिलहरी का शिलालेख सुरक्षित है, जिसमें लिखा है कि चेदी का राजा लक्ष्मण ने उत्कल अर्थात उड़ीसा के राजा पर चढ़ाई की थी, जिसमें उन्होंने सोने की एक काली मूर्ति ली और उसे उपहार के रूप में एक रथ के साथ सोमनाथ उपहार के रूप में भेजा। इस लेख से पता चलता है कि गुजरात बाहर के राजा भी सोमनाथ को ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं उपहार में दिया करते थे। थाने के सिलहर अमरादित्य का लेख सोमनाथ पाटन में मिला है, जिसके अनुसार विक्रम संवत का उल्लेख है कि 1176 में अपरादित्य के मंत्री लक्ष्मण नायक यात्रा पर आए थे, जिन्होंने समुद्र स्नान कर सोमनाथ की पूजा की थी। भगवान लाल को वेरावल के हरसिद्धि माता के मंदिर में एक शिलालेख मिला, जिसमें गैलत जाति के सेठ ने सोमनाथ पाटन में गोवर्धन की मूर्ति बनाई थी, उसकी बात वल्भी संवत के लेख में बताई गई है। उदयपुर संग्रहालय में साल संवत के बिना एक शिलालेख है, जिसमें कहा गया है कि सिद्धराज पुत्र प्राप्ति के लिए पैदल सोमनाथ आया था, लेकिन सोमनाथ दादा ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है और तुम्हारा भतीजा कुमारपाल तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। उदयपुर प्रशस्ति में उल्लेख है कि परमार राजा भोजदेव ने तुर्कों को हराया और सोमनाथ का मंदिर बनवाया। मांगरोल की प्रसिद्ध सोढ़ी बावड़ी में शिलालेख में कहा गया है कि मांगरोल के सोम ने अपने पिता सहजिग की स्मृति में सहजिगेश्वर मंदिर बनाया और सोमनाथ मंदिर पर एक स्वर्ण कलश रखा। सोमनाथ के लिए कई राजा सेनापति और सैनिक शहीद हुए, जो शिलालेखों में दर्ज है, जिसे एक अमर प्रमाण माना जा सकता है। शिलालेखों में वाजा राजा विजयराज, विक्रम संवत 1462, श्रावणवदी 8 को मुजफ्फर शाह की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना लिखा है, जो इतिहास का एक बहुत ही मूल्यवान प्रमाण है। कहा कि शिलालेख महत्वपूर्ण है, परंतु यदि कोई इसे पढ़ता है और उसका अर्थ निकालता है तो यह सब हमारे अतीत के विद्वानों द्वारा किया गया है। इस प्रकार के शिलालेख की समझ और जानकारी भावनगर प्राचीन शोध संग्रह, गुजरात के ऐतिहासिक लेख भाग 1-5, बड़ोदरा राज्य के शिलालेख, अरबी और फारसी शिलालेख, कठियावाड़ के शिलालेख आदि पुस्तकों में पाई जा सकती है। तो चिंता न करें, इन किताबों में शिलालेखों को ढूंढे और आधार से इतिहास को प्रमाणित करें। इतिहास कभी भी बिना सबूत के कुछ नहीं बोल सकता है। यह शिलालेखों की वजह से कुछ सोमनाथ की बातें हम जरूर बता सकते हैं। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। Thank you.